अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग. हमने जो रिकली जॉनसन टेस्ट किए हैं उसमें पहला टेस्ट कौन सा है, दैट इज अ चेयर स्टैंड टेस्ट, दैट इज फॉर टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ. देन आर्म कर्ल टेस्ट है टू मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ. देन चेयर सिट एंड रीच टेस्ट टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सीबिलिटी. नेक्स्ट इज बैक स्क्रैच टेस्ट टू मेजर द upper body flexibility. Now the 8 foot up and go test is to measure the agility, speed and balance of the body. And 6 minutes walk or 2 minute step. Ya upper karke 2 minute ke step ka kar lo ya 6 minute ki walk kar lo. उससे हम एरोबिक एंडोरेंस चेक करते हैं. ठीक है, ये जो है ये टेस्ट है किसके लिए, ये टेस्ट है नॉर्मली हम जो सीनियर सिटीजंस के लिए करते हैं. इसके बाद एक आता है हार्वर्ड टेस्ट. विच टेस्ट इज देयर, दैट इज अ हार्वर्ड टेस्ट. हार्वर्ड टेस्ट जो है बेटा ये हार्वर्ड के नाम पर है और ये टू चेक द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस ऑफ अ पर्सन. ठीक है, ये टेस्ट कैसे लिया जाता है, ये क्लासेस में या स्कूल में आपके आपसे तकरीबन जो आपके फिजिकल के टीचर्स हैं वो आपको करवाते हैं. अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपके गेम्स पीरियड में, नॉट नो बट ड्यूरिंग द 9th and 10th, व्हेन यू वर इन द 9th and 10th क्लास, यू मस्ट हैव डन दिस एक्सरसाइजेस. शुड आई रब दिस फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा? हमने आज करना है अभी कार्डियोवास्कुलर टेस्ट. अब कार्डियोवास्कुलर टेस्ट इज फॉर द नॉर्मल पीपल टू चेक देयर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. कार्डियोवास्कुलर इसमें नॉर्मली क्या होता है, एक हम बोर्ड ले लेते हैं या स्टूल टाइप चीज लेते हैं. आपको हमने स्टेप्स पे भी करवाया हुआ है. अ पर्सन शुड स्टैंड हियर. जैसे सीढ़ियों पे हम क्या करते हैं, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे करते हैं ना, अप एंड डाउन, एक पैर को ऊपर एक को नीचे, एक को ऊपर एक को नीचे करते हैं. इसी तरीके से गो बोलने पर, ठीक है, स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस. उसके लिए हार्वर्ड टेस्ट जो है वो सुटेबल है. ठीक है, या ये वाला टेस्ट करवाया जाता है और इसके द्वारा क्या होता है, इट इज अ सिंपल टेस्ट एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1943 में शायद ये करवाया गया था. वैसे तो हम नॉर्मली ये एक्टिविटीज जो है हर एक करते हैं, लेकिन मॉडिफाई करके इसे बेटर वे से फॉर अ पर्टिकुलर थिंग जब करवाया जाता है तो उसका एक नाम दिया जाता है जिसके द्वारा ये चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं या एग्जिस्टेंस में लाई जाती हैं. यहां पर क्या होता है बेटा, द एबिलिटी टू चेक द हार्ट, लंग्स एंड जो बेटा व्हाट, हाँ हार्ट लंग्स, और उसमें जो है लंग्स के थ्रू जो है ब्लड सप्लाई कितनी फास्ट होती है, ऑक्सीजन जो है वो कितनी ज्यादा पूरी बॉडी में जाती है, और मसल्स टिश्यू की जो वर्किंग है, मसल्स और टिश्यूज की जो वर्किंग है वो इसमें इंक्लूड होती है. ठीक है, इससे क्या होता है बेटा, हमारी एंड्योरेंस पावर जो है कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी जो है हार्ट की, लंग्स की बढ़ जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम फास्ट होता है, मैक्सिमम जो पंप ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में आता है और हमारे काम की करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है. ठीक है, क्योंकि जो प्योर ब्लड होगा वो हमें मैक्सिमम क्या देगा, ऑक्सीजन देगा मूवमेंट्स के लिए या हेल्प करेगा हमारी एक्टिविटी में. ठीक है ना, इसलिए यह हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो करवाया जाता है किसके लिए, फॉर द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए. ठीक
ठीक है, इज इट क्लियर बेटा? इसमें क्या होता है, इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होती हैं वो एक स्टूल टाइप चीज होती है, स्टूल ही होता है, ठीक है, या प्लेटफॉर्म उसको बोल सकते हैं, वो 20 इंचेस का होता है, 18 से 20 इंचेस का होता है। आप अगर इसे करना चाहें तो सीढ़ियों पर आपको नॉर्मली स्टेप्स रख के हम ऊपर नीचे ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हैं, और नॉर्मली ये जिम में भी करवाई जाती है। क्लियर बेटा? उसके बाद एक और टेस्ट है, दैट इज अ रॉक पॉट माइल टेस्ट। ये सब के नाम तुम्हें याद होने चाहिए और इनकी क्वालिटी भी याद होनी चाहिए कि ये किसके लिए होते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ये आए, विच टेस्ट इज यूज फॉर चेकिंग द कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और द फिटनेस, वहां पर आपके ये काम आएंगे टू राइट द नेम और टू टेल अबाउट दिस, ठीक है? उसे फिर टोटली एक्सप्लेन किया जाता है कि ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, फॉर चेकिंग द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए होता है, इसमें इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म या स्टूल टाइप चीज होती है जो 18 से 20 इंचेस तक की होती है, जिसपे स्टेप्स बार बार हम स्पीड से रखते हैं व्हेन आर ऑफिशियल से गो, और 1 मिनट में हम कितनी बार करते हैं उसे चेक किया जाता है, और उसके बाद व्हाइल चेकिंग आर हार्ट रेट हम उसे मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हैं कि हमारे हार्ट की और लंग्स की फंक्शनिंग कैसी है, इसकी कितनी एफिशिएंसी बढ़ चुकी या कितनी इंप्रूवमेंट हमें आ रही है वीकली और फोर्टनाइट और इन अ डेज, ठीक है ना बेटा? अब रॉक पॉट टेस्ट जो है इसे 1 माइल टेस्ट भी कहते हैं, रॉक पॉट टेस्ट और 1 माइल टेस्ट। कोई भी दोनों में से नाम लिख दोगे, वन एंड द सेम थिंग, वेदर इट इज अ रॉक पॉट और अ 1 माइल टेस्ट, सेम फॉर द कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को चेक करने के लिए ये होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, लैब पता है ना ट्रैक की 400 मीटर की, ठीक है? इस पर हमने वॉक करना होता है, इसके 4 चक्कर लगाने होते हैं, 4 चक्कर 16 यानी कि 1600 मीटर के वॉक जो है वो हम कर लेंगे, कितनी फास्ट कर सकते हैं एज पॉसिबल, हमने इसमें स्पीड भी चेक करनी है, तभी हमारी क्या चेकिंग होगी, हमारी ये कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस पार्क को चेक किया जा सकता है। और ये नॉर्मली बेटा धूप में नहीं किया जाता है, क्लाइमेट शुड बी नॉर्मल, मॉडरेट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हवा जरूर चलते होनी चाहिए, ताकि ज्यादा गर्मी, इन दिनों में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाई जाती जहां पर ऑलरेडी ऑक्सीजन लेस लगती है या सफोकेशन रहती है या हमें बार बार पानी की जरूरत पड़ती है पीने की, तो हम इन दिनों में नहीं, सच टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर गुड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर इन द इंडिया, ठीक है? क्योंकि उस टाइम मौसम जो है वो बिल्कुल सही होता है, ना गर्म ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ठंडी होती है, और हम इसे आसानी से कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल बेटा? इज इट क्लियर? नाउ लेट अस डू सम जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। अभी तक हमने कौन कौन से किए हैं बेटा? अभी तक हमने क्रॉस वेबर टेस्ट किए हैं, वो 6 थे, ठीक है? उसके बाद हमने रिकली जॉनसन सीनियर्स के किए हैं, वो भी 6 थे। उसके बाद हमने कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए किए हैं, वो 2 टेस्ट हैं, एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, दूसरा रॉक पॉट माइल टेस्ट और 1 माइल टेस्ट, ठीक है? उसके बाद आते हैं जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटे? कि वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसमें होता है क्या?
स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अब ये क्या टेस्ट है बेटा? ठीक है, नॉर्मली तो हम जो लॉन्ग जंप करते हैं ना बेटा, नॉर्मली जो लॉन्ग जंप होता है उसमें रन वे होता है, ठीक है, स्क्रैच लाइन या टेक ऑफ बोर्ड होता है। तो जो एथलीट है वो दौड़ के आता है, बॉडी का मोमेंटम बनाता है, एक्सेलरेशन देता है अपनी स्पीड को, और उसके बाद टेक ऑफ बोर्ड से वो जंप करता है, ठीक है। और उसकी लैंडिंग एक पैर से भी हो सकती है, दोनों पैरों से भी होती है। नाउ हियर हाउ टू चेक योर पावर, ठीक है, या स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? सब्जेक्ट को या इंडिविजुअल को या एथलीट को स्क्रैच बोर्ड या टेकिंग ऑफ बोर्ड के पास ही खड़ा किया जाता है, दोनों पैर उसके जुड़े हुए होने चाहिए। He has to take, bend his and jump. दोनों पैरों से इसकी जंप जो है वो पिट में होनी चाहिए। इससे डिस्टेंस जो मेजर हम करते हैं उससे हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। मोटर एबिलिटी में नॉर्मली हम क्या क्या चेक करते हैं? हम इसमें एक तो स्ट्रेंथ चेक करते हैं, दूसरी चीज बेटा पता क्या होती है, हमारा मेन पर्पस क्या होता है मोटर एबिलिटी को चेक करने का? क्लासिफिकेशन कर सके, हम डिवाइड कर सके बच्चे को, गाइड कर सके, और उसके अचीवमेंट के लिए इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ कितनी है। वुड दैट पर्सन इज एबल फॉर दिस एक्सरसाइजेस और या टेस्ट या ऐसी एक्टिविटी के लिए ये सही रहेगा या नहीं, या इसकी बॉडी इसे अलाउ करेगी, या इसकी कैपेबिलिटी एबिलिटी जो है हेल्पफुल होगी इसमें या नहीं, ठीक है ना बेटा। ये सारी चीजें चेक करने के लिए नॉर्मली ये किया जाता है, इसे मैट पे, जंप पे, इन सब पे किया जाता है। अब जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट को एक और नाम, जो इसका एक्चुअल नेम दैट इज बोरो फिटनेस टेस्ट कहते हैं, बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोरो, ठीक है। ये बोरो के द्वारा 3 आइटम जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट होते हैं, ठीक है ना बेटा, जिसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, zigzag रन है, वर्ड अपने आप में ही काफी कुछ बता रहा है। zigzag टेस्ट का क्या मतलब होता है? जैसे आपको क्लास में या स्कूल में करवाए जाते हैं ना, अलग अलग जगह पर कोन रखे जाते हैं और कहा जाता है आपको कि अपनी रनिंग को फास्ट करो, यहाँ पर वही चीजें टेस्ट चेक होती हैं जो हमने सीनियर सिटीजन में भी, रिकली जॉनसन में भी पढ़ा था। वहां पर 8 फुट का था एजिलिटी, स्पीड एंड बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, फास्ट स्पीड से जाना और वापस आना जिगजैग होकर, इसमें हम इन चीजों को चेक करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज चेक और मेजर बाय दिस टेस्ट। ये नॉर्मल होता है, उसके बाद आता है इसमें टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ योर शोल्डर्स, अपर बॉडी है ना। इसके लिए एक टेस्ट होता है, दैट इज अ मेडिसिन बॉल टेस्ट। इसके और भी नाम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पता ही है मेडिसिन बॉल जो है वो लेदर फॉर्म में होती है विद अ स्पेसिफाइड वेट, जो हमारी शोल्डर्स की या हमारी बैक की एक्सरसाइजेस के लिए करवाई जाती है। कल करवाएंगे बेटा, पीरियड हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू अमरप्रीत, पायल, मानसी, मयंक एंड अमितोज हैज कम, पुलकित लेफ्ट। थैंक यू बेटा।